आइए मंत्र विभाग की शुरुआत करते हैं। मंत्र विभाग में आज मैं आपको बताऊंगा कि अधिक मास में जन्म लेने वाला जातक कैसा होता है और यह सब इस मंत्र में इस प्रकार से कहा गया है। विषय हीन मति सुचरित्र दुख विविध तीर्थ करश्च निरामय सकल वल्लभ समाहित कर खलु मणिमुच मास भवो नर। अर्थात अधिक मास में जन्म लेने वाला जातक विषयहीन मति वाला होता है। विषयहीन मति अर्थात ऐसे लोगों को भौतिक सुख समृद्धि या फिर सांसारिक सुखों में ज्यादा रुचि नहीं होती। यह सुचरित्र रूप यानी अच्छे चरित्र और अच्छी दृष्टि वाले होते हैं। विविध तीर्थ करश्च निरामय ऐसे जातक तीर्थ यात्रा ज्यादा करते हैं और हमेशा निरामय रहते हैं यानी कि हमेशा निरोगी रहते हैं। ऐसे जातक अपने स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और अधिक मास में जन्म लेने वाला जातक सकल वल्लभ समाहित कर यानी कि उसको जानने वाले सभी लोगों में बहुत ही प्रिय, समाहित कर यानी कि सभी लोगों का भला चाहने वाले और भला करने वाले होते हैं। खलु मलिमृच मास भव नर। दर्शकों जिस जातक का जन्म अधिक मास में होता है उसमें खलु यानी कि हकीकत में यह सब बातें देखने को मिलती है। तो दर्शकों आज मैंने दैनिक राशिफल के बारे में आपको बताया और गुरु पुष्य योग के समय प्रयोग किए जाने वाले कुछ बहुत ही लाभदायी उपाय आपको मैंने बताए। विशेष विभाग में आज मैंने आपको सिंह और कन्या राशि के विशेष लक्षणों के बारे में बताया है। दोस्तों इस लक्षणों के बारे में जानकर आप किस लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करें या उनसे मिलने के पहले ही तय कर सकते हो और अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हो। मंत्र विभाग में अधिक मास में जन्म लेने वाले जातक के बारे में आपको बताया। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी माहिती, आज बताई गई सभी बातें आपको अपने वास्तविक जीवन में लाभ दे और आपको बहुत ही उपयोगी हो। इसी आशा के साथ आज मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।